सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े आसानी से। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहतास निमी है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल निमीजी नेट पर। दोस्तों आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं डीआई का और हमारा मिशन है दोस्तों अब होगा डीआई का डर ख़त्म। काफ़ी दोस्तों के अंदर डीआई का डर बैठा हुआ है, पता नहीं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे ये करने होते, परसेंटेज कैसे निकालने होते, काफ़ी तरह का हवा बना हुआ है। तो हमारा मिशन है कि आपके अंदर जो डर बैठा हुआ है उस डर को निकाल दे। तो उसी डर की कड़ी में ये हमारी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो आप बिल्कुल आसानी से देखना कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना और ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो से आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे कि डीआई के अंदर जो परसेंटेज वगैरह है वो किस तरह से निकलती है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। दोस्तों हमने एनडीए यूजीसी नेट दिसंबर 2019 एग्ज़ाम के लिए एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। इस ग्रुप में हम आपको दोस्तों सिस्टमैटिक ढंग से स्टडी करवाएंगे। इस ग्रुप में आपको हर रोज़ दो वीडियो मिलेगी, सुबह की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल होगी और शाम की जो वीडियो होगी उसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और उनका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इस ग्रुप में आपको दोस्तों 10 यूनिट के पीडीएफ स्टडी नोट्स दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको 2012 से लेकर 2019 तक टॉपिक वाइज ओल्ड पेपर पीडीएफ दी जाएगी और इसके साथ साथ आपको हर यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की पीडीएफ दी जाएगी। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हमारा ये आया था 2014 के अंदर, आया था दिसंबर 2014 एग्ज़ाम के अंदर। देखिए दोस्तों डीआई का जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर सबसे पहली बात ये होती है कि उसकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट हमें ध्यान से पढ़नी होती है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि विभिन्न क्षेत्रों से किसी देश के कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 उत्सर्जन निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। ये यहाँ पर तालिका दी गई है और ये जो तालिका है दोस्तों ये मिलियन मीट्रिक टन के अंदर दी हुई है और इसी के बेस पे दोस्तों हमें ये क्वेश्चन करने हैं। चलिए अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं कि इस बेस पे किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए दोस्तों ये सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि वर्ष 2005 से 2009 के दौरान विद्युत क्षेत्र से CO2 उत्सर्जन की प्रतिशतता वृद्धि क्या है, वो हमें बतानी है। देखिए स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिए, इन्होंने कहा है कि 2005 से 2009, 2005 हमारा ये है और 2009 ये है। इसके अंदर देखिए विद्युत क्षेत्र, विद्युत कौन सा हमारा ये है। अब देखिए इसके अंदर एक तो आता है हमारा 500, एक आता है हमारा 800। अब इसमें यह बताना है कि जो वृद्धि हुई है वो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है और इसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों। डीआई की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो वीडियो आप ज़रूर देखना दोस्तों। उसके अंदर हमने बेसिक चीज़ें बताई है जिस पर हमारी पूरी की पूरी डीआई टिकी हुई होती है। तो दोस्तों जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला क्या था कि फाइनल वैल्यू माइनस में इनिशियल वैल्यू बटे में इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ये थी हमारी फॉर्मूला। इसके अंदर देखिए फाइनल वैल्यू क्या है हमारे पास, फाइनल वैल्यू है 800 माइनस में इनिशियल वैल्यू कितनी है दोस्तों 500 है, बटे में यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा इनिशियल वैल्यू कितनी है दोस्तों 500 है यहाँ पे, और गुना में क्या आ जाएगा, गुना में 100 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए 800 में से 500 जाएगा तो कितना रह जाएगा हमारे पास 300 यहाँ पे रह जाएगा। अब देखिए मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे 800 माइनस में 500 बटे में 500 गुना में 100 हमने कर लिया। अब देखिए ये रह गया हमारे पास 300 बटे में 500 गुना में 100। अब देखिए 20 से 20 कट गई और 5 से क्या कटेगा दोस्तों, ये 300 को कट करें तो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी दोस्तों 60% यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, जब दो हमारे पास ईयर दी गई हो जैसे 2005 से 2009 के बीच में प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो तो हमें क्या करना होता है, जो सबसे लास्ट में जो वैल्यू जो ईयर दी हुई होती है यानी कि फाइनल वैल्यू यानी कि 800 माइनस में इनिशियल वैल्यू जो हमारी पहले वैल्यू दी हुई होती है, वो इन दोनों में से माइनस करके जो पहले वाली वैल्यू होती है शुरू में जो दी हुई होती है उसको बटे में करना और गुना में 100 करना है। इस तरह से हमें उसका प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना आसान हमारा क्वेश्चन है।
और अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्ष 2005 से 2009 के दौरान CO2 उत्सर्जन में किस क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें सभी क्षेत्र जो दिए हैं उनकी वृद्धि प्रतिशत निकालने हैं, और पिछले वाला जो क्वेश्चन था दोस्तों उसके अंदर हमें क्या था कि केवल और केवल विद्युत क्षेत्र से निकालनी थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ये निकालना है कि किस क्षेत्र से, तो हमें सारे के सारे क्षेत्र देखने हैं। अब देखिए इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ऑप्शन में हमें क्या क्या दिया गया है, विद्युत दिया गया है ये, और ये हो गया उद्योग है, ये हो गया वाणिज्य है, ये हो गया और कृषि है हमारे पास, ये हो गया, ये चार दिए गए हैं, तो इनका हमें पता करना है। तो इनका पता करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, 800 में से 500 माइनस करना, फिर बटे में 500 गुना में 100, ये करेंगे। यहाँ से हमने निकाला था वो कितना आया था दोस्तों, 60% आया था, विद्युत कितना आया था 60% आया था। फिर हमें क्या करना है, 450 में से 200 माइनस करेंगे और बटे में क्या करेंगे, बटे में 200 करेंगे और गुना में 100 करेंगे, तो इस तरह से हम निकालेंगे। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ किस तरह से पूरा निकलेगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये देखिए विद्युत का तो हमने निकाला था 60% आया था, अब उद्योग की बात करते हैं, उद्योग कैसे आएगा दोस्तों, 400 माइनस में 200 बटे में 200 गुना में 100 यहाँ पे हमने लिख लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 125% आ जाएगा। फिर वाणिज्यिक क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे, इसमें क्या होगा 320 माइनस में 150, ये देखिए 320 माइनस में 150 बटे में 150 गुना में 100, तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से कृषि क्षेत्र का निकालेंगे दोस्तों, 200 माइनस में 80 और बटे में 80 गुना में 100, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास इसका आ जाएगा 150%। और अब इसमें हमें बताना था अधिकतम वृद्धि बतानी थी। अब देखिए अधिकतम वृद्धि किस में हो रही है दोस्तों, ये हो रही है हमारे कृषि क्षेत्र में हो रही है, यानी इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी यहां से आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात ये है दोस्तों, हमें उसका तरीका पता होना चाहिए कि किस तरह से क्वेश्चन को हमें निकालना है। तो दोस्तों आप हमें पता चल गया कि किस तरह से क्वेश्चन निकालना है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह से करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों इसमें इन्होंने क्या कहा है, वर्ष 2005 से 2009 में CO2 का कुल उत्सर्जन किस प्रतिशत तक बढ़ा है, ये हमें बताना है दोस्तों। अब देखिए सन 2005 से 2009, 2005 ही हो गया, 2009 तक CO2 का कुल उत्सर्जन हमें, कुल टोटल बताना है दोस्तों। टोटल का मतलब है कि जैसे विद्युत उद्योग ये सभी हमें प्लस करना है, यहाँ से यहाँ तक ये प्लस में करना है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये दोनों के दोनों प्लस करने हैं, और फिर हमें देखना कि कितना प्रतिशत बढ़ा था। देखिए दोस्तों इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले 2005 का कुल करेंगे, टोटल करेंगे, उसके बाद 2009 का टोटल करेंगे और फिर इनकी प्रतिशत निकालेंगे। चलिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो हमारा 2005 दिया हुआ है दोस्तों, ये देखिए 2005 में जितनी भी हमारी ये वैल्यू है इन सभी को हम प्लस करेंगे। ये देखिए ये प्लस किया, प्लस करने पर हमारे पास आ जाएगा 1030 यहाँ पर आ जाएगा। फिर जो 2009 की जो जितनी भी वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ये इन सभी को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 1950 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में हमारे पास वृद्धि हुई है, 1950 हमारे पास आ गया, पहले कितना था 1030 था, तो मतलब क्या है कि वृद्धि हुई है। अब हमें ये देखना कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, तो इसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वही था दोस्तों, एफ माइनस आई बटे में आई गुना में 100 जो हमारा फॉर्मूला था, और उसी फॉर्मूले के अंदर ये रखा हुआ है। तो यहाँ से हमारी जो वृद्धि होगी वो हो जाएगी दोस्तों 89.32, 89.32% यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर ये कहा है कि विद्युत क्षेत्र में CO2, अब देखिए विद्युत क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है दोस्तों, इसके अंदर क्या कहा है कि इसने कहा है कि वार्षिक वृद्धि दर क्या है, वार्षिक वृद्धि दर हमें देखना है। अब देखिए
ये बात कर रहा है विद्युत क्षेत्र में, ये हो गया, और इसके अंदर ये सारे के सारे ईयर का देखना। अब देखिए, सबसे पहले हम एक छोटी सी चीज़ देखते हैं, 2005 से 2006 में जब गए तो ये देखिए यहाँ पे वृद्धि हुई, फिर 600 से 650 वृद्धि हुई, फिर 650 से 700, फिर 700 से 800, यानी कि इनके अंदर औसत प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई वो हमें निकालना है। तो इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हमें ये निकालना है कि 500 से लेके 600 में इसमें कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, फिर 600 से 650 में कितनी हुई, और फिर 650 से 700 में कितनी हुई, फिर 700 से 800 में कितनी हुई। इन सभी की हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे और फिर उसका एवरेज निकालेंगे। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ किस तरह से होगा। ये देखिए, इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, इसके अंदर वही है जो हम पीछे करते हुए आ रहे थे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस में इनिशियल वैल्यू बटे में इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 100, इस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यही हमने किया है, 600 माइनस में 500 बटे में 500, और दोस्तों ये 1000 है ना, 1000 नहीं है, ये गलती से लिखा गया, ये 100 आएगा, 1000 यहाँ पे गलती से लिखा गया, ये सभी में 1000 है ना, 1000 नहीं है, ये 100 है, 100 आएगा यहाँ पे गलती से, 1000, 10 फालतू तो इसमें लग गई। तो दोस्तों इस तरह से हम सभी में निकालेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि 6 से 7 का हमें निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 650 माइनस में 600 बटे में 600 मल्टीप्लाई बाई 100, इस तरह से हम इसको करेंगे। और ये यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इन सभी का हम करेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, सबसे पहले 20% आ गया, फिर 8.33% आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, ये सभी प्रतिशत, ये देखिए इन सभी प्रतिशत को यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और फिर 4 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा दोस्तों, औसत वार्षिक वृद्धि दर आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्या आएगा, जो हमारी प्रतिशत निकली है उनका औसत हमारे पास आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या कहा गया है और हमें किस तरह से इसको निकालना है। और दोस्तों अगर किसी को भी इनमें से कोई बात समझ में नहीं आई है, हो सकता है किसी को डिफ़िकल्टी हो, किसी को कम समझ में आया हो, तो वो हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। और या फिर आप हमें दोस्तों जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है नीचे आप देख सकते हैं, ये नीचे दिया हुआ है 8708321010, इस पे हमें मैसेज कीजिए। अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है तो हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर क्या दिया हुआ है। वर्ष 2008 में कुल CO2 उत्सर्जन में विद्युत क्षेत्र का प्रतिशत योगदान क्या है। अब देखिए इसे समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि वर्ष 2008 हमारा ये है, इसके अंदर कुल CO2, कुल CO2 का मतलब दोस्तों ये पूरा का पूरा हमें प्लस करना है, ये पूरा का पूरा हमने प्लस किया। प्लस करने के बाद दोस्तों हमें देखना कि उत्सर्जन में विद्युत क्षेत्र का क्या योगदान है, वो हमें देखना है। चलिए दोस्तों इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमें 700 का यानी कि विद्युत क्षेत्र का निकालना, तो ये ऊपर रख लेंगे, 700 ऊपर रख लिया हमने, और नीचे में कुल उत्सर्जन का हमें निकालना, तो इन सभी का टोटल हम यहाँ पे नीचे कर लेंगे। इन सभी का नीचे हमने टोटल किया और मल्टीप्लाई बाय 100 यहाँ पे किया, 700 बटे में 1700 गुना में 100। जब इनको 20 से 20 कट करेंगे तो ये हमारा प्रतिशत कितना आ जाएगा दोस्तों, 41.18% हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप इस तरह से बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और DI के अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है और किस तरह से करना है, ये हमें पता होना ज़रूरी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।